कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। रुचि रुचि भोग में आज हम ठाकुर जी को पान का भोग बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। पान बनाने से आधा घंटा पहले ही पान के पत्तों को पानी में डाल देना है। फिर हमें चाहिए लौंग, इलायची, गुलकंद और नारियल का पूरा। इलायची के एक या दो दाने हमें लेना है और लौंग पान के ऊपर लगाने के लिए। पहले हम एक पान का पत्ता लेंगे और सामने का भाग और पीछे का भाग विजयी करेंगे। विजयी करना मतलब कट करना, मगर कभी भी ठाकुर जी के कोई भी वस्तु बना रहे हैं तो कट करना, काटना ऐसे शब्द नहीं बोले जाते, विजयी करना बोलना है। अब हम पान के पत्ते के पीछे की तरफ जो डंडी थोड़ी उठी हुई है उसे भी हटा लेंगे। अब इस पे हम गुलकंद, नारियल का भोला, इलायची ये सब चीज़ें डालकर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इस पे एक लौंग लगाएंगे। बस बहुत सिंपल है बनाना और बहुत ही इजी है। जब आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो देखिएगा उन्हें कितना अच्छा लगेगा और आप खुद भी पाएंगे प्रसाद, तब आपको भी बड़ी खुशी होगी। पान फोल्डिंग करने का एक और वैरायटी बनाते हैं। पान को सामने और पीछे की तरफ विजयी करना है, फिर पीछे की तरफ थोड़ी डंडी निकाल देना, फिर पान के पत्ते को दो भागों में करना है इस तरह से। फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके लिए थोड़े बड़े पत्ते ही लेना है ताकि अच्छे से बने पाए। अब इसमें सभी चीज़ें ऐड कर लेंगे। इसमें आप सौंफ भी डाल सकते हैं। अभी सौंफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मीठे पान हमारे तैयार हैं। आपके ठाकुर जी को पवाइए, आप भी पाइए और आनंद पाइए। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और अपने परिवारजन मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।